हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ड्रिल बिट बनाना विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम हेलिकल स्वीप। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू पार्ट मॉडलिंग पे जाना है। पार्ट का जो भी है नाम दे दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। यहाँ से आपको MNS पार्ट ऑफ सॉलिड सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ जाइए, यहाँ से कोई सा भी एक प्लेन लीजिए, मैं ये टॉप प्लेन ले रहा हूँ। इस पर स्केच करना है आपको। स्केच के ऑप्शन के बाद ये आप पैरेलल व्यू होता है ये वाला, इसको क्लिक कीजिए। तो ये जो आपने टॉप प्लेन लिया था वो आपके स्क्रीन के पैरेलल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेके कुछ इतनी दूरी पे आप इस तरीके से मार्क कीजिए। आप बस मुझे फॉलो कीजिए जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ। इसको 125 कीजिए, हाइट को 25 कीजिए और ये वाला हाइट को, ये वाला लेंथ को 250 कर दीजिए। फिर से लाइन कमांड लीजिए, यहाँ से एक इस तरीके से एक लाइन बनाइए और डायमेंशंस में जाके ये वाले एंगल को 40 डिग्री कर दीजिए। जस्ट इस तरीके से करिए और इस वाले लाइन को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। ये लाइन हट गया, फिर से लाइन कमांड लीजिए, फिर टू स्क्रीन किया मैंने यहाँ से। इसके बाद आपको इस तरीके से बनानी है। अभी मैं प्रॉपर ड्रिल बिट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इस तरीके से एक लाइन खींच दीजिए। अब आपको प्रॉपर डायमेंशनिंग पे मेरे साथ आइए। ये जो हाइट होगा इसको हम लोग 8 रखेंगे, ये वाले को 20 रखिए। फिर क्या करिए, फिर से एक लाइन कमांड लीजिए, इस वाले हाइट को आप रखिए 15 और ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इसको आपको रखना है 150, ताकि आपको एक प्रॉपर ड्रिल बिट नज़र आए। इसीलिए हम लोग ये सारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मिला दीजिए कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एंड टू एंड पॉइंट को मिला दीजिए। ये वाले पॉइंट, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा था इसको आप मिला दीजिए इस वाले पॉइंट से। और क्या करिए, एक सेंटर पॉइंट दीजिए इस तरीके से। ओके क्लिक कीजिए। अब आपको रिवॉल्व क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा ये। ओके कर दीजिए। फिर से कोई सा भी एक प्लेन लीजिए, पैरेलल व्यू कीजिए। आपको बस रिपीट करते जाना है मैं जो कर रहा हूँ उसको। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एक बना लेनी है। रेफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से इसको इस तरीके से किया ताकि हमारा रेफरेंस यहीं से बने। इसको 5 कीजिए, यहाँ से इस पॉइंट की हाइट को भी मैं 5 लेता हूँ। फिर इसको 15 और एक और जो था इसको 35 लेता हूँ। अब आपको एक आर्क लेना है, आर्क भी स्टार्ट एंड एंड मिड पॉइंट वाली आर्क। आर्क को आप अपने हिसाब से ले लीजिए इस तरीके से। इसको भी आपको 35 पे ही रखना है रेडियस इसका। ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि ओरिएंटेशन आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आए। सेंटर लाइन दिया मैंने, फिर क्या किया, इस आर्क को मिरर कर दिया अबाउट दिस सेंटर लाइन। अब आपको एक्सक्लूड करना है इसी आर्क को,
बोथ साइड, एक्सक्लूड कट करना है इनफैक्ट। तो इस तरीके से आपका नज़र आएगा ये बिट। अब आपको क्या करना है, स्केच करना है वापस से पैरेलल व्यू करके। क्या करेंगे आप, फिर से रेफरेंस लेंगे, कहाँ से लेंगे इस बार, यहाँ से। तो आपको क्या करना है, लाइन कमांड लीजिए यहाँ से और कुछ इस तरीके से खींच दीजिए। इसका जो हाइट होने वाला है ये आप 50 दीजिए, कहाँ से, यहाँ से देना है 50। इसके लिए और रेफरेंस डाल देते हैं यहाँ से, तो इसको लेना है यहाँ से आपको 50। तो ये तो क्या 50, और इस लाइन की लेंथ कितनी लेनी है आपको, तो वो लेनी है 280, 20, कुछ इस तरीके से। इसको कीजिए ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ ये स्वीप में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, वॉल्यूम हेलिकल स्वीप, इसको क्लिक कीजिए। रेफरेंस के अंदर आइए, इसको कीजिए, और ये लाइन आया था इसको सेलेक्ट कीजिए। ये जो आपको लकीर दिखाई दे रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से बोल रहा है, अपने को स्टार्ट यहाँ से करना है। ये किया हमने, फिर आपको एक हेलिक्स का एंगल देना है, हेलिक्स का एक्सिस देना है, तो एक्सिस को क्लिक कीजिए, और ये जो आपका ड्राइंग था इसके एक्सिस को क्लिक कीजिए। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। फिर आपको स्केच करना है कि कौन सा वॉल्यूम होगा, उसको हेलिक्स कराना है, वॉल्यूम हेलिकल स्वीप कराना है, तो उसके लिए एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल के थ्रू करा रहा हूँ, आप कोई सा भी करा सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको 58 लिया, इसकी जो थिकनेस थी इसको 8 लिया। इसके एजेस को मैं क्या करने वाला हूँ, राउंड करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिलेट कमांड दूँगा यहाँ से, और फिलेट की रेडियस जो है वो मैं 2 मेंटेन करने वाला हूँ। कमांड पर क्लिक किया और ये 2, और ये यहाँ भी 2 लिया, और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ वॉल्यूम हेलिकल स्वीप के लिए। तो यहाँ से जैसे मैं ओके करूँगा तो ये आपको वॉल्यूम हेलिकल स्वीप दिखाई दे रहा है। आप इसके थ्रेड के डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, आप चाहें तो पिच को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 90 दिया है पिच, आपको ये मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, तो आप इसको चेंज करिए इस तरीके यहाँ से। मैं इसको 75 कर देता हूँ, तो ये तो कुछ इस तरीके से आपका ड्रिल बिट नज़र आएगा वॉल्यूम हेलिकल स्वीप के बाद। आई होप कि कमांड कैसे आपको यूज़ करना है वो क्लियर हुआ होगा, और ड्रिल बिट एक सुंदर ड्रिल बिट बनाना आप सीख गए होंगे यहाँ से। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करके रखिए, और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं।